गुड मॉर्निंग डॉक्टर रंजन अगेन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रैबिट में लूज मोशन के बारे में। जनरली आपने देखा होगा कि रैबिट में लूज मोशन बहुत होता है और एक फैटल होता है। कभी कभी तो बच्चों में, खास करके छोटे बनीज में, लूज मोशन होते ही 24 to 48 आवर्स के अंदर बच्चे एक्सपायर कर जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन समस्या है। जनरली आपको बहुत ही बेसिक पहले बता दूंगा, उसके बाद मैं ट्रीटमेंट पर आऊँगा। बेसिक क्या है कि रैबिट में आप देखोगे कि उसका जो सीकम होता है उसमें गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं। जनरली गुड बैक्टीरिया ज़्यादा मात्रा में होते हैं, बैड बैक्टीरिया जैसे कि साल्मोनेला और ईकोली कम मात्रा में होते हैं। जब भी इनमें माइक्रोफ्लोरा अल्टर होता है तो जो बैड बैक्टीरिया है वो ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं और जिसकी वजह से बॉडी में अचानक से एंट्रोटॉक्सिमिया कॉज करता है, टॉक्सिन्स पूरे बॉडी में फैल जाता है। विद इन 24 to 48 आवर्स रैबिट एक्सपायर कर जाता है। तो इसको कैसा रोका जाए? सबसे पहला बेसिक आपने समझ लिया, लूज मोशन का कारण क्या है। नंबर वन, गट में जो माइक्रोफ्लोरा है उसका अल्टर होना। नंबर टू, गट में पीएच का अल्टर होना। नंबर थ्री, कोई और स्ट्रेस, कोई वायरल इन्फेक्शन या कोई और अलग बैक्टीरियल या कोई प्रोजोवल इन्फेक्शन का होना। तो ये सारे कारण हैं जनरली जो रैबिट में लूज मोशन काउज करते हैं, जो इनके लिए फैटल होते हैं। अब चूंकि बेसिक रीजन आपको समझ में आएगा, इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे। प्रिवेंशन का सबसे मेन फार्मूला ये है कि गट का जो माइक्रो फ्लोरा है उसको आप बैलेंस करके रखें। जब भी आपको लगे कि रैबिट आपका मोशन जो कर रहा है वो सॉलिड नहीं कर रहा है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में नहीं कर रहा है, आपको सावधान होने जाने की ज़रूरत है। अगर वो मोशन हल्का सॉलिड करता है, लास्ट में थोड़ा लूज करता है, तो भी आपको सावधान होने की ज़रूरत है। यहाँ पे बेसिक चीज़ एक और बता दूँ, जनरली रैबिट अपना स्टूल खाते हैं, उनमें सीकोट्रॉप्स होते हैं जो न्यूट्रिशियस होते हैं और उसमें कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जिनके गट के लिए अच्छा होता है। किसी वजह से अगर पेलेट प्रॉपर फॉर्म नहीं होता तो जो लूज मोशन लास्ट में होता है वो उसके एनस के आसपास चिपक जाता है और उसमें काफ़ी फॉल स्मेल आने लगता है। तो रैबिट अपना सीकोट्रॉप्स खा नहीं पाते, तब भी इनमें लॉन्ग टर्म में ये टॉक्सिन फैलने का डर होता है, लूज मोशन बढ़ने का डर बना रहता है। तो नंबर वन, डाइट मॉडिफिकेशन और माइक्रोफ्लोरा को बैलेंस कैसे करेंगे। डाइट में देखिए बेसिकली क्या है, आप ग्रास हे पे रखें, आप पेलेट पे ना रखें अपने रैबिट को। ये पेलेट देते भी हैं तो कम दें, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे दें। घास खिलाएं उसको, हरे हरे घास खिलाएं, कैबेज हो, चाहे ब्रोकोली का पत्ता हो, स्पिनेच हो, ये सारे जितने भी ग्रासी वेजिटेबल्स हैं, या सिंपल सा आप पार्क में जाएंगे वहाँ भी आपको ग्रास मिल जाएगा, उसको अच्छे से वॉश करके आप उसको दें, ताकि फाइबर रिच डाइट हो। जब फाइबर प्रॉपर देंगे तो पेलेट प्रॉपर बनेगा, जो उसका जीआई ट्रैक्ट है वो प्रॉपर खुल के आएगा, और जब पेलेट प्रॉपर बनेगा वो सीकोट्रॉप्स को भी खा पाएगा और गट का माइक्रो जो फ्लोरा है वो बैलेंस में रहेगा। एक चीज़ और, लूज मोशन जनरली देखिएगा ह्यूमन में या डॉग में इंटेस्टाइनल मोटिलिटी के बढ़ने से लूज मोशन होता है, बट इन केस ऑफ रैबिट इंटेस्टाइनल मोटिलिटी के घटने से लूज मोशन होता है। तो जब इंटेस्टाइनल मोटिलिटी घट जाता है और सिर्फ लिक्विड सा मोशन आता है तो काफ़ी सारा मोशन उसके सीकम में रिटेन भी कर जाता है, जिसकी वजह से सीकम का पीएच बैलेंस अल्टर हो जाता है और फिर वहाँ पे माइक्रोफ्लोरा जो गुड बैक्टीरिया है वो कम होने लग जाते हैं और बैड बैक्टीरिया जैसे कि साल्मोनेला ईकोली है वो बढ़ने लग जाते हैं और ये काफ़ी हद तक दिक्कत करते हैं। आप आगे आपको ये भी देखना होगा कि आप क्या रैबिट हमेशा स्ट्रेस में ना रहे, रैबिट को हमेशा केज्ड ना करें, वो खुले माहौल में भी रखें, रैबिट को नहलाएं नहीं, क्योंकि रैबिट को नहलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ख़ास करके आपको रैबिट को हमेशा आपको कुछ बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट वगैरह, विटामिन सी सप्लीमेंट वगैरह देते रहने की जरूरत है। आपके पास अगर कुछ प्रोबायोटिक्स अवेलेबल है तो भी आप बीच बीच में रैबिट्स को देते रहें, क्योंकि प्रोबायोटिक्स काफ़ी हद तक लूज मोशन को रैबिट में कंट्रोल करते हैं। कभी भी घर पे एंटीबायोटिक खुद इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एंटीबायोटिक एक मेन रीजन है जो रैबिट्स को लूज मोशन कभी कंट्रोल नहीं होता, और हल्का सा भी लूज मोशन होता है अगर आप एंटीबायोटिक देते हो तो गट का जो सीकम का माइक्रोफ्लोरा है वो अल्टर हो जाता है और लूज मोशन काफ़ी बढ़ जाता है और वो तुरंत ही कोलैप्स कर जाता है। तो कभी भी आपके रैबिट को लूज मोशन हो तो आप अपने वेट के पास ले जाएं इमीडिएटली, वो आपके रैबिट को फिजिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके ही अपने हिसाब से एंटीबायोटिक देंगे और साथ में प्रोबायोटिक का सप्लीमेंट देंगे। तो बेसिक क्राइटेरिया ये है कि आप अपने रैबिट्स को हमेशा बी कॉम्प्लेक्स का सप्लीमेंट, विटामिन सी का सप्लीमेंट बीच बीच में देते रहें, जैसे 15 दिन दिया, फिर 10 दिन दिया,
10 दिन का गैप दिया इस प्रकार से। जो भी डाइट देते हैं उसमें पेलेट की मात्रा कम करें, अगर लूज मोशन हो रहा है तो पेलेट बिल्कुल बंद कर दें। आप उसको हे ग्रास वगैरह और यू नो कुछ कैबेज वगैरह ब्रोकली वगैरह दे सकते हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह भी दे सकते हैं जैसे कि एप्पल है, चेरी है, स्ट्रॉबेरी है, पपाया है, ये सारे फ्रूट्स भी दिए जा सकते हैं। लेकिन जब लूज मोशन हो तो फ्रूट्स की मात्रा कम कर दें और ग्रीन ग्रास की मात्रा ज़्यादा कर दें ताकि फाइबर प्रॉपर जा सके। कुछ प्रोबायोटिक्स अवेलेबल हैं जो आपने वेट के पास जाके आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे प्रोबायोटिक, जैसे कि एनिमा स्ट्रात है, ये बहुत अच्छा प्रोबायोटिक्स है रैबिट के लिए खास करके। तो हमेशा आप कुछ कुछ मात्रा में प्रोबायोटिक्स रैबिट्स के फूड में इनो देते रहें ताकि उसके जो सिकम है उसमें गुड बैक्टीरिया हमेशा बना रहे और साल्मोनेला और ईकोली जो थोड़ी मात्रा में रहता है वो कभी बढ़ ना सके और आपके रैबिट को नुकसान ना पहुँचा सके। इस प्रकार से आप अपने रैबिट को बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।